से वीडियो नहीं आ रही होगी क्योंकि ये मेरे को पड़ा था 4000 वर्ड्स, ये भी अभी तक ओपन नहीं किया है मैंने। दो चीज़ हो गई अपनी, एक हो गया आप यार GoPro को ना कभी भी डायरेक्ट चार्ज मत किया करना, इससे आप इजीली GoPro वगैरह चार्ज कर सकते हो, ठीक है। GoPro की बैटरी होती है जो आपको इसके भी जरूरत नहीं है, ये आपका व्लॉगिंग का है, ठीक है। उसके बाद ये भी आपको लगाने के ऊपर यार रखना चाहो ना रखना चाहो, फुल कवर हो जाएगा इसमें। अभी मैं इसी से आपको तो ये रहा गाइस तुम्हारे ऐसा GoPro की जो, तो चलो गाइस फिर सेट करते हैं इसका। ये ना रबड़ का होता है और अगर इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कम के देखो लॉक हो गया और ये दूसरे का कोई काम नहीं, तो ये भी कर दिया इसे एकदम बंद नहीं है यहाँ पे ये रखा है इसलिए हम पहले इसका ये बैटरी वाला साइड रखना पड़ेगा, उसके बाद ये बैटरी लेनी है हमें, ठीक है। आज देख सकते हो जो हमारा पिछला मोटो व्लॉगिंग सेटअप था वो हमने बदल दिया है, और ये तुम्हारे भाई का नया मोटो व्लॉगिंग सेटअप। दो तीन दिन से वीडियो नहीं आ रही होगी क्योंकि मैंने अपना कैमरा सेल कर दिया था, OLX पे Insta360, उसमें नाइट वगैरह में विजुअलिटी सही नहीं थी, और इसलिए मंगाया तुम्हारे भाई ने Hero 10, ये देख सकते हो GoPro का Hero 10 है। तो चलो एक एक करके इनकी प्राइसिंग बताता हूँ आपको, ठीक है, और मोटो व्लॉगिंग के लिए क्या क्या आपको नीड होगी, एक अच्छा मोटो व्लॉगिंग सेटअप किस किस चीज़ों से होकर बनता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और कैसे आप इन सभी GoPro को और इसकी एक्सेसरीज कैसे आप हेलमेट में माउंट करोगे वो भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। हमारे पास अभी 2 माउंट है देख सकते हो आप, एक तो ये आपका है, ठीक है, ये भी GoPro का ही माउंट है, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये वाला है जो ये आपने देखा होगा, ठीक है, इसमें ये पीछे से उखड़ता है, ठीक है, देन उसके बाद इसे हम ईज़िली हेलमेट में यहाँ पर लगा सकते हैं, बट इसके लिए आपको MSeal और फेबिक्विक वगैरह की ज़रूरत है, तो इसको मैं अभी यूज़ नहीं करूँगा, मैं आपको नॉर्मली इससे माउंट करके दिखाऊँगा। तो एक एक करके ये सारी चीज़ को ओपनिंग करते हैं गाइस, चलो ठीक है। फर्स्ट करते हैं GoPro की, नहीं फर्स्ट करेंगे रोड के माइक की ओपनिंग गाइस, ठीक है। ये रोड का माइक था, ये मेरे को पड़ा 6000 कुछ का, ठीक है, ये 6000 का माइक है गाइस, इससे साउंड क्लियर आएगी। मैंने बहुत माइक यूज़ किए हैं बट अब लास्ट रोड का माइक यूज़ करने जा रहा हूँ क्योंकि बंदे बताते हैं इसकी अच्छी खासी क्वालिटी है वॉइस की, ठीक है। तो ये है रोड का माइक, ये देखो ये इस थैली के अंदर है 6500 का माइक, देखो ओपन करता हूँ। तो गाइज ये रहा आपका रोड का माइक, ठीक है, क्वालिटी ठीक है इसकी बट वही है, ऑडियो देखते हैं अभी कैसी आती है, रेगुलर ब्लॉग्स में आपको ही पता लगेगा कैसी ऑडियो हुई है इस माइक के बाद मेरी या नहीं हुई है, ठीक है। अब ये हो गया आपका माइक। दूसरा है एडेप्टर, ये GoPro का माइक एडेप्टर है, ठीक है, इसके बिना माइक नहीं लग सकता GoPro में, इसकी ओपनिंग करते हैं, देखना आप, चलो गाइस खुल चुका है। ये मेरे को पड़ा था 4800 का, ठीक है, ये अडेप्टर माइक है, इसके बिना आप एक्सटर्नल माइक नहीं लगा सकते उसमें, ठीक है। ये भी अभी तक ओपन नहीं किया है मैंने, चलो गाइस तो ये भी आ चुका है, अरे ये रहा अभी डर गया मैं कि अभी नहीं है, तो ये देख सकते हो ये है GoPro का माइक अडेप्टर, ठीक है। तो दो चीज़ हो गई अपनी, एक हो गया माइक, दूसरा माइक अडेप्टर। अब हमें चाहिए होगा ये तो मैंने एक्स्ट्रा मंगाया है, आप यार GoPro को ना कभी भी डायरेक्ट चार्ज मत किया करना, इफ़ेक्ट पड़ता है उस पर, ठीक है। तो आपको ये चाहिए होगा चार्जर, ये चार्जर आपको सिर्फ 1000 रुपये की कॉस्टिंग का पड़ेगा, ठीक है, 1200 का चार्जर है ये, है तो ये आप मंगा लेना, सस्ते भी आते हैं इससे, 900 रुपये का भी आता है, मैंने ये 1000 रुपये का मंगाया है, ठीक है। ये भी आपको मैं खोल के दिखाता हूँ, अभी मैंने GoPro की बैटरी भी चार्ज की थी इससे, अच्छी चार्जिंग है, आधे घंटे में फुल चार्ज कर देता है बैटरी को, तो गाइस ये देखो ये है चार्जर, ठीक है, इससे आप इजीली GoPro वगैरह चार्ज कर सकते हो, ठीक है। ये देखो इसके अंदर ऑलरेडी मैं बैटरी चार्ज कर रहा था, देख सकते हो ये GoPro की बैटरी होती है जो आपको मिलेगी GoPro के साथ में, इसको आप इससे अंदर रख देते हैं, इसको ही बाहर निकाल लेते हैं। ये आपका चार्जर हो गया, और ये चार्जर के साथ आपको USB केबल मिलेगा, ठीक है, ये आपकी बैटरी, इसका भी काम हो गया ख़त्म, इसको भी रख देता हूँ नीचे, इसे भी नीचे, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, इसको भी नीचे रख देता हूँ। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी ये केस की, ठीक है, ये आपका उलांजी का केस आएगा, ये आपका 1200 के आसपास का आएगा ये भी, ठीक है, ये आपका 1200 के आसपास का आएगा, ये आपको मंगा लेना है, इससे क्या होता है GoPro की सेफ्टी रहती है।
ये मेरे पास इसी हालत में आया था, टूटे फूटे कंडीशन में डब्बे के, इसका मैंने एक्सचेंज डाल दिया। ये आपका ब्लॉगिंग का है, ठीक है, इसको आपको हटा देना है इजिली, यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है, ये आपका हट गया। उसके बाद ये भी आपके लगाने के ऊपर, ये आप रखना चाहो ना रखना चाहो, ठीक है, ये भी इजिली निकल जाता है। लेकिन ये एक्स्ट्रा कुछ एक्सेसरीज लगाने के लिए होता है, जैसे यहाँ पर लाइट डिस्प्ले वगैरह लगती है उसके लिए। ये अभी मैं लगा के ही छोड़ देता हूँ, हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आपका केक कवर हो जाएगा, इसका लेंस कवर, जब यूज़ ना कर रहे हो ना तो इसको आप ईजिली इसमें लगा के छोड़ सकते हो कुछ टाइम के लिए, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये लग चुका है, ठीक है, ये हमारा केस हो गया। तो ये अभी हो गया हमारा मोटो लॉगिंग का प्रॉपर, जो जो हमें चाहिए मोटो लॉगिंग के लिए, जो जो चाहिए अभी है। अब हो गया मेन चीज़ की बात, दूसरा हमें सबसे माउंट चाहिए फ़ोन, ये आपका कैमरा माउंट चाहिए, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इन दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। इसके लिए भी मैं नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि इसमें अभी हेलमेट ख़राब हो जाएगा, नया हेलमेट है तुम्हारे भाई का, तो इसके लिए मुझे फेविक क्विक और साथ में एमसील लगाना पड़ेगा, तो ये अभी यूज़ नहीं करूँगा। अभी मैं इसी से आपको माउंट करके दिखाऊँगा गोप्रो एक्सर के हेलमेट में। एक्सर का सी डबल का हेलमेट है ये, ठीक है, ये भी 4500 का है ये, ठीक है। और ये अब आखिरी बारी है गोप्रो की, तो गाइस अब निकलने जा रहा है तुम्हारे भाई का गोप्रो हीरो 10 देखना। तो ये रहा गाइस तुम्हारे भाई का गोप्रो हीरो 10, ठीक है, ये कैमरा है। और ये एक देते हैं यहीं पे इधर की साइड लगाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे ही लगता है हेलमेट के, जहाँ भी लगा सको यहाँ पे ही लगा देना कभी माउंट के। और ये रहा गोप्रो का क्लिप, ठीक है, और ये है इसका स्क्रू टाइट करने वाला। तो चलो गाइस फिर सेट करते हैं हेलमेट में ये सब चीज़ें, फिर मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ गोप्रो हीरो 10 की क्वालिटी कैसी है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सेट करेंगे सब कुछ, ठीक है गाइस। चलो बने रहना वीडियो में, पहले मैं फ़ोन माउंट को सेट कर देता हूँ उसमें, आओ देखो गाइस कैसे होता है फ़ोन माउंट सेट इसमें, ठीक है। इस हेलमेट में ना यहाँ पे लॉक भी होता है, ईजिली आपका ये लॉक हो जाएगा। इसका ये ना रबड़ का होता है, तो इसमें बहुत आसान है, इसी को माउंट करना आपको ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। कहाँ गया वो, कहाँ रख दिया मैंने, जो वो एमसील वाला था, ये जो ये एमसील वाला है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अच्छे हेलमेट से, एयर अपने आप कट जाता है, ज़रूरत नहीं है एयर की, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ आगे दिखाता हूँ इसमें, ये रहा, यहाँ से हल्का सा इसे उठाऊँगा, ठीक है, ये रबड़ का है, इजीली उठ जाएगा, ठीक है। एक यहाँ से गई वायर, एक यहाँ से चली जाएगी, दूसरे को यहाँ से, और यार गाइस वीडियो को ना लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करो, कल से डेली व्लॉग्स आएंगे, इसी का वेट कर रहा था मैं, क्योंकि ओल्ड कैमरा मैंने अपना सेल कर दिया, तो इसी का इंतज़ार कर रहा था, नया आया तब मैं व्लॉग्स रेगुलर डालूँ। इसको हटा देता हूँ थोड़े टाइम के लिए, ये ज़रूरी है, इसका मैं कुछ जुगाड़ कर। ये आपका कैमरा माउंट, ठीक है, ये हमारा गोप्रो का माउंट सेट हो चुका है। अब आप देखो ईजिली ये अच्छा हेलमेट है, तो देखो कैसे लॉक हो जाएगा, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है हमें किसी भी उसकी, ये देखो लॉक हो गया, अब एयर घुसने का कोई चांस नहीं है, तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस हेलमेट में, ठीक है। चलो तो अब इसमें करते हैं अपना गोप्रो माउंट। इसे ओपन करने के लिए यहाँ पे एक दे रखा है साइड में बटन, ठीक है, इसको हल्का सा हम ऐसे करेंगे ना, तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। इसके लिए हमें पहले इसका ये बैटरी वाला साइड हटाना पड़ेगा और बैटरी डालनी पड़ेगी इसमें, ये याद रखना। इसको हटाने के लिए ना हमें यहाँ से नीचे हल्का सा करना पड़ता है, ठीक है, इसको नीचे करोगे ना थोड़ा सा प्रेस करोगे तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये बैटरी लेनी है हमें, ठीक है, बैटरी को कर लेना है फिक्स। ये गई हमारी बैटरी, ये सेट हो गई बैटरी, इसमें मेमोरी कार्ड मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, और इसको कर देंगे हम अब लॉक, नहीं से हटा ही देते, इसको थोड़ा सा ना प्रेशर डालना पड़ेगा, टूटेगा नहीं, दिक्कत मत लेना, ये निकल गया है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। इसको कर देंगे हम गोप्रो को सेट इसमें, यहाँ से ये चला गया हमारा गोप्रो इसके अंदर, ठीक है, गोप्रो हीरो 10 इसके अंदर जा चुका है। अब उसके बाद हमें इसे लॉक कर देना है,
तो गाइज ये हो चुका है, आप देखो ये हमारा प्रॉपर उलांजी केस में जा चुका है गोप्रो। ठीक है, यहाँ से अब हमें इसे माइक अडेप्टर को इसमें घुसा देना है। ये देखो ये इसमें हमारा माइक अडेप्टर सेट हो चुका है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे हमारा माइक लग जाएगा। ओके, और यहाँ से हमारा स्टार्ट बटन है। चलो गाइज फिर से करते हैं अपने हेलमेट पे माउंट। ठीक है, बैटरी सेट हो चुकी है। अब एक बार मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ गोप्रो। ये देखो स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा गोप्रो हीरो 10 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको इजीली। अभी इसका मैंने वो भी मंगवाया है, वो भी आएगा। अभी मैं आपको इसमें इसकी क्वालिटी दिखाऊंगा कैसी है। थोड़ी देर बाद इसे मैं माउंट करने के बाद इससे ऑन करूंगा, फिर इसकी क्वालिटी आप खुद चेक करना। अपडेट मांग रहा है इस, देख सकते हो। तो इसे मैं अपडेट कर दूंगा अपने फ़ोन से थोड़े टाइम बाद। अपडेट के बाद ये और बेटर चलेगा। चलो गाइस इसे माउंट करते हैं, इसकी जरूरत है। तो फाइनली गाइज ये हो चुका है हमारा गोप्रो हेलमेट में माउंट। ठीक है, देख सकते हो आप कैसा लग रहा है, ये आप देख लो अभी कैसा लग रहा है, देखियो। तो चलो गाइज आपको दिखाता हूँ मैं अभी गोप्रो हीरो 10 का कैमरा एंगल। देख सकते हो आप, इसका सुपर व्यू मोड है ये। ठीक है गाइज, ये इसका सुपर व्यू मोड है। इसे मोटो लॉगिंग करने में बहुत आसानी होगी, जो मेरे को प्रॉपर Insta360 में हैंडल वगैरह नहीं दिखते थे, इससे प्रॉपर दिखेंगे आपको और मज़ा भी आएगा आपको व्लॉगिंग में गाइज। अभी ये रॉड का माइक यूज़ कर रहा हूँ मैं, और जो हमारा कैमरा है वो है हीरो 10, जो कि आप देखते आ रहे हो अभी तक। तो उसका देख सकते हो आप अभी कैसा है। कमरे के अंदर Insta360 बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा बहुत अगर लो लाइट हो ना तो Insta360 की वाली क्वालिटी नहीं आ पाती थी। बट मैं ऐसा लगा इससे पहले वाला मैंने देखा तो GoPro Hero 10 की बहुत अच्छी क्वालिटी आपको भी दिख रही होगी गाइज़। और इसका वो भी सही है, स्टेबिलिटी भी ठीक है इसकी। तो गाइज़ कल से व्लॉग रेगुलर डलेंगी, तो चलो गाइज़ चैनल को लो सब्सक्राइब। उतारते हैं हम ये हेलमेट। ऑडियो क्वालिटी बताना गाइज़ कैसी आ रही है।